एक आम मुसलमान, बाबा जी अजीब कश्मकश है। एक मौलवी कहता है बस अल्लाह को मानो, दूसरा मौलवी कहता है अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के नबियों को भी मानो, नबी के सहाबा को भी मानो, तबईन को भी मानो, अल्लाह के वलियों को भी मानो, दाता साहब को भी मानो, बाबा फरीद को भी मानो। एक कहता है बस अल्लाह को मानो, बात ख़त्म। दूसरे मौलवी के पास अल्लाह भी है और ढेर सारे बंदे भी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा अस्हाब कहफ का कुत्ता जन्नत में इसलिए जाएगा क्योंकि वो अल्लाह के वलियों पे भौंका नहीं था, उसने उनकी ताज़ीम की थी। और शैतान जो फरिश्तों का उस्ताद था, जिसकी हज़ारों साल की इबादत उसके मुंह पे मार दी गई क्योंकि उसने अल्लाह के बंदे की ताज़ीम नहीं की, वो अल्लाह को मानता था मगर जिसको अल्लाह मनवा रहा था उसको मानने से इनकार किया, उसने आदम की ताज़ीम नहीं की। अल्लाह को तो यहूदी भी मानते हैं। बस बेटा, अल्लाह ने बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शा है, वो गुनाह बख्श देगा, इनकार नहीं बख्शेगा। आखिरी अल्फाज बोलकर वो उठकर चले गए कि बेटा, इंसान गुनाहगार हो मगर किसी का मुनकर ना हो।